नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन, प्रयागराज में घर पर ली अंतिम सांस, 3 दिन पहले डिस्चार्ज हुए थे। कासगंज में हादसे में पिता पुत्र समेत 4 की मौत, कोहरे से पेड़ में टकराई कार, चोरी की सूचना पर दिल्ली से आ रहे थे घर। महिला वकील ने डाकघर में कर्मचारी को जड़े थप्पड़, प्रयागराज में पति के साथ रजिस्ट्री कराने गई थी। देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन 5 घंटे लेट, 956 यात्रियों को मिलेगा मुआवजा, 5 दिन से चकेरी एयरपोर्ट पर नहीं उतरी एक भी फ्लाइट। सुरक्षाकर्मी ने साथी गार्ड को मारी गोली, मौत, नोएडा में शराब के नशे में दोनों में हुआ था विवाद, आईटी कंपनी में करते थे काम। यूपी में ठंड और बढ़ेगी पारा, 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा कानपुर में, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, प्रदेश के 12 जिलों का तापमान 5 डिग्री से कम। चौरासी घंटे चली आईटी की रेड, सहारनपुर में सांसद हाजी फरजुल रहमान के 5 लैपटॉप और डीवीआर लेकर गई टीम, बढ़ सकती है मुश्किलें। बिजनौर में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, देहरादून से लौटते समय हुआ हादसा। छह घंटे बाद पकड़ा गया घर में घुसा तेंदुआ, 100 कर्मचारियों की टीम में लगी शॉटगन के 5 डोज को भी पानी पीकर किया बेअसर। संभल में लेखपाल और कानूनगो को डीएम के फटकार, बोले निलंबन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े मुझे नहीं पड़ेगा फर्क। रामपुर के शाहबाद में कड़ाके की सर्दी में नहीं पहुंचे फरियादी, एसडीएम ने सुनाई समस्या और निस्तारण का दिया आश्वासन। बागपत में 20 लाख की पुआल में लगाई आग, मालिक और उसके भाई ने पकड़ा तो की मारपीट, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। मेरठ में रॉटविलर डॉग ने पंजाबी अभिनेता को काटा, स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए दौड़े तो हाथ पैर में नोचा। हरदोई में घाघरा नदी में उतरता मिला किसान का शव, फसल की रखवाली करने के लिए निकला था, जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में युवक को ढाबे पर पिलाया ज्वलनशील पदार्थ, गलती से पानी की जगह दे दिया बोतल में भरा केमिकल, अलीगढ़ रेफर किया गया। उन्नाव में गंगा के किनारे गंदगी और गोबर का ढेर, एनजीटी के आदेश की अवहेलना, तट से 100 मीटर तक सफाई रखने के निर्देश दिए गए। घने कोहरे के साथ यूपी में रेड अलर्ट जारी, सीएम योगी बोले कोई भी सड़क पर सोता ना मिले, कानपुर नगर और सोनभद्र रहा सबसे ठंडा। फरुखाबाद में लेखपाल को वकीलों ने दौड़ाए, महिला की शिकायत करने से रोका, वरासत के रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। जालौन में बिजली चेकिंग के नाम पर कर्मियों की गुंडई, महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की, महिला बोली जबरन लगा रहे थे मीटर। बागपत में एसपी ने सीओ और थाना अध्यक्षों की मीटिंग ली, अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश, गश्त और चेकिंग पर रहा फोकस।
आजमगढ़ में रात में शीतलहर, दिन में कोहरा, गलन ने बढ़ाई समस्या, जनजीवन बुरी तरह से हुआ अस्त व्यस्त। फिरोजाबाद में कोहरे की मार, 3 डिग्री पहुंचा तापमान, हाईवे पर वाहन देखते हुए नजर आए, अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए लोग। और रया में तीसरी चंबल मैराथन 14 और 15 जनवरी को 22.2 किलोमीटर होगी दौड़, यूपी समेत मध्य प्रदेश व राजस्थान के युवा करेंगे शिरकत। सपा मीडिया सेल हेड गिरफ्तार, पुलिस मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव, कहा मुख्यालय में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। बदायूं में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस की कवायद, सर्दी के मौसम में आपराधिक घटनाएं रोकने को पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग। बुलंदशहर में हाईवे पर 2 गुटों में हुई फायरिंग में 1 की मौत, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। चंदौली में अज्ञात कारणों से होजरी फैक्ट्री में लगी आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। गोंडा में दिव्यांग महिला स्टाफ नर्स ने सीएससी अधीक्षक पर परेशान करने का लगाया आरोप, महिला ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा अधिकारियों को लिखा पत्र। चंदौली में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 पशु तस्कर, पुलिस की टीम ने वाहनों को 50 गोवंश से किया बरामद। गोंडा जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा है व्हीलचेयर, मां को गोद में ली बेटी की तस्वीर हुई वायरल। अलीगढ़ में संस्कार भारती के बैनर तले महिलाओं को किया गया जागरूक, कार्यक्रम में महिलाओं के साथ छोटे बच्चे ने भी लिया हिस्सा। अमरोहा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने फर्जी दरोगा बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक साथी युवक को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में यंग इंडिया रन कार्यक्रम का होगा आयोजन, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर किया जाएगा आयोजन। अमरोहा पहुंचे लोकसभा के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर, पूर्व सांसद ने लोकसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक की। अलीगढ़ में स्वास्थ्य केंद्रों में भगवा पर्दे दिखाकर होगा मरीजों का इलाज, हाईटेक के नाम पर स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है कोई भी मशीन मौजूद। अमरोहा लोकसभा से पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल का हुआ जोरदार स्वागत, पूर्व सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का दिया आह्वान। अलीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी, शीतलहर के चलते आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, नेशनल हाईवे पर छाया घना कोहरा। अमरोहा में एकता समाज सेवा समिति ने समाजसेवी नौशाद के सहयोग से किया गरीबों का रजाई वितरण, विनीत अग्रवाल रहे मुख्य अतिथि। अलीगढ़ में डीएम ने संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी फरियादों की शिकायत, कड़कती ठंड के आगे कमी दिखी फरियादों की कतार। औरैया में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के प्रथम सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अयोध्या में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, प्रेमिका से अवैध संबंध बना रहा था, छोटे भाई ने देखा तो हथौड़े से मार डाला।
बांदा में सनातन रक्षा दल फाउंडेशन का अहम कदम, संचालित गौरक्षा सेना के पदाधिकारियों ने गौशाला का किया औचक निरीक्षण। औरैया में लेखपाल संघ ने समस्याओं को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन, आदेश के बावजूद लेखपालों को नहीं मिल रहा है प्रिंट आउट। बुलंदशहर में बिजली विभाग के कैशियर ने फांसी लगाकर दी जान, मफलर के सहारे लटका मिला शव, 12 लाख की धनराशि नहीं कर पाए थे डिपॉजिट। औरैया में सांसद प्रतिनिधि ने 200 से अधिक गरीबों को वितरित किया कंबल, वितरण सांसद प्रतिनिधि की अध्यक्षता किया गया वितरण। बुलंदशहर में एटीएम कार्ड से ठगी, आरोपियों ने कार्ड बदल कर निकाली 50,000 रुपए, मैसेज आने पर हुई जानकारी। औरैया में यमुना नदी में पड़े मिले ग्राम विकास अधिकारी, मछुआरों ने देखा तो बाहर निकाला, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर मीडिया क्लब ने सर्दी से बचाव हेतु जरूरतमंद लोगों को किया कंबल वितरण, संगठन ने 100 से अधिक परिवारों को बांटे कंबल। औरैया में डीएम और एसपी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन, मौके पर 76 में से 6 शिकायतों का किया गया निस्तारण। बुलंदशहर में तेंदुए ने गाय और भैंस को बनाया निवाला, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी। फिरोजाबाद में नईम हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंधों में बुआ के कहने पर भतीजे ने की हत्या, मृतक के 6 बच्चे हुए अनाथ। गाजियाबाद में खुलेआम चल रहे बालू खनन का कारोबार, ओवरलोड वाहनों से सड़कें हो रही क्षतिग्रस्त, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। सपा महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर कसा तंज, बोली डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व सरकार को बताया मायावती। श्री काशी विद्युत परिषद के सदस्यों ने हमीरपुर डीएम को किया सम्मानित, संस्कृत भूषण सम्मान से किया गया सम्मानित। हरदोई में गांवों में आवारा गोवंशों से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने डीएम को दिया ज्ञापन। पुलिस हिरासत में मारे गए बलवंत के परिवार को अखिलेश यादव ने दिए 5 लाख, सपा ने कहा न्याय मिलने तक हम उनके साथ हैं। हरदोई में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, दबंगों से भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए गए। लखीमपुर खीरी में चंदा लगाकर कौडियाला घाट पर ग्रामीणों ने खुद बनाया पुल, ग्रामीणों ने खुद ही पुल का उद्घाटन भी किया। हरदोई में एक हफ्ते में दूसरी बार महिला का शव, हत्या कर शव फूंकने की आशंका, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मेरठ में जिलाधिकारी ने किया रैन बसेरे और गौशाला का निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में विश्राम कर रहे लोगों से वार्ता की। प्रयागराज में भारत भूषण मिश्र की याद में किया गया कंबल वितरण, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गरीब तबके लोग हुए शामिल। रायबरेली के इतिहास का काला दिन 102 साल पहले हुआ था, मुंशीगंज गोलीकांड, गोलीकांड की पूर्व संध्या पर सई नदी में किया गया दीपदान। सहारनपुर में एसिड अटैक का बनाया गया था फर्जी मेडिकल, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, चिकित्सक और कई कर्मचारी पुलिस के रडार पर।
सुल्तानपुर में तांत्रिक के चक्कर में मां ने बेटे की हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कलयुगी मां को किया गिरफ्तार। हरदोई में एक बार फिर सामने आए प्रधान के भ्रष्टाचार का मामला, ग्राम सभा के पेड़ कटवाने को लेकर सुर्खियों में प्रधान। देवरिया में श्रीजी बाला बुक डिपो एवं स्पोर्ट हाउस ने गरीबों को किया कंबल वितरण, पिछले कई सालों से किया जा रहा कंबल वितरण। इंदिरानगर पुलिस पर लगा पूर्व प्रधान को कस्टडी में लेकर थर्ड डिग्री टॉर्चर करने का आरोप, पूर्व प्रधान विशाल यादव की हालत नाजुक। अलीगढ़ में तेज रफ्तार बाइक का बिगड़ा संतुलन, बाइक सवार ने पैदल जा रहे राहगीर को रौंदिया, घटना से राहगीर गंभीर रूप से हुआ घायल। बुलंदशहर में जेसीबी मशीन द्वारा चला रहे नाली निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से नाली में दबा मजदूर घायल, मजदूर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री योगी से मिले बीजेपी विधायक सवाजपुर माधवेंद्र प्रताप सिंह, मुलाकात के दौरान भाजपा के पदाधिकारी भी रहे मौजूद। हमीरपुर में नदी में फंसी एम्बुलेंस, मरीज को नदी पार कर रहे गांव ले जाने रही, आज तक नदी पर नहीं बना पुल। कानपुर में दुर्लभ गिद्ध मना, कौतूहल का विषय, कनलगंज ईदगाह के पास मिला दुर्लभ गिद्ध, लोगों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। मेरठ में चौराहे पर शराब पार्टी का विरोध करना, महिलाओं को पड़ा भारी, नशे में धुत युवकों ने महिलाओं पर किया धारदार हथियार से हमला। प्रयागराज में पुलिस इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में हुई मौत, प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात इंस्पेक्टर अमर सिंह रघुवंशी। कानपुर में भीषण ठंड ने ली 14 लोगों की जान, बीते एक हफ्ते में 100 के करीब पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। फिलहाल आज के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।